करते आज के इनलाइटेंड पोएट्री के सेशन में कृष्णा जी की एक कविता शेयर करते हैं, उसे सुने, उसे एंजॉय करें। दिल के चरखे पे लपटों को कात कर एक चुनर बुन डाली है। दिल के चरखे पे लपटों को कात कर एक चुनर बुन डाली है। उसको ओढ़ा तो देखा, अंतर मन में सब खाली है। सूरज के माथे को जब से चूमा है, तब से उसके माथे पे एक बिंदी काली है। कोई उसको कहता है सूरज का धब्बा, तो किसी के लिए वो एक अजीब सी गुत्थी न सुलझने वाली है। चरखा अब भी घूम रहा है, चरखा अब भी घूम रहा है, लपटों के धागे अब भी लिपट रहे हैं पूनी में। जिस्म की जमीन पे अब भी सूरज की लाली है, शायद फिर से सुबह होने वाली है। दिल के चरखे पे लपटों को कात कर एक चूनर बुन डाली है। दिल का चरखा जो हमारे भीतर प्रेम का एक जगत है, एक वर्तुल है, उस पर लपटों को काटना। धागों को तो हर कोई काटता है, लपटे, प्रेम और करुणा और रूपांतरण, ये लपटों को ही काटता है, लपटों के धागों को ही काटता है, यानी कि उन्हीं को बुनता है। वो आग वो हमारे अंदर होनी पड़ती है, उससे चूनर बुनी है। लपटों को काट कर चूनर बुनना बड़ा ही अद्भुत प्रतीक है। एक सीकर को ऐसा ही होना है। कुनकुने से काम नहीं चलता। अंतर मन में जब लपटे ना हो तो अंतर मन हुआ क्या? ज्ञान पाना है, सत्य पाना है, यहां जाना है, वहां पहुंचना है, धागों से थोड़े कोई पहुंचता है। भीतर की आग को हवा देकर उन लपटों को बढ़ाना पड़ता है और फिर उनको दिल के चरखे पे काट देना पड़ता है। यानी कि लपटें ऐसी नहीं कि जला के राख कर डालें, लपटें ऐसी कि हमारे हृदय केंद्र में आएं और प्रेम से आविष्ट होकर एक चूनर बन जाएं, आग की चूनर, अग्निमय चूनर, और फिर उसको ओढ़ें। लिखा है और जब से उसको ओढ़ा है तो देखा है अंतर मन में सब खाली है। क्योंकि जब कोई वो अग्नि में चूनर डालता है तो सारा जो आसार है वो जलकर राख हो ही जाना होता है। धारणाओं का आसार, विचारों का आसार, कहानियों का आसार, हमारी कल्पनाओं का आसार, सारा आसार भस्म होगा, भीतर का अंतर मन खाली होगा। लेकिन तब तक खाली पर नहीं दिखेगा किसी को, किसी सीकर को, जब तक वो लपटों की चूनर को नहीं ओढ़ेगा। ओढ़ेगा तो दिखेगा सब खाली है। और आगे लिखा है सूरज के माथे को जब से चूमा है। सूरज का माथा यानी कि जो जीवन की परम संभावना है, उससे बिल्कुल निकटता में आ जाना, तब से उसके माथे पर एक बिंदी काली है। अर्थात सूरज के अंदर भी एक गुंजाइश बन जाती है। कोई उसको धब्बा कहता है तो किसी के लिए वो न समझने वाली गुत्थी बन जाती है। सूरज के धब्बे भी जो है ना, वो सूरज के लिए अलग व्यवस्था लाते हैं, अलग रेडिएशन लाते हैं, उसको एक अलग ढंग की ऊर्जा देते हैं। वो भी गुत्थी ही है जिस पर रिसर्च अभी तक चल रही है। लेकिन जब हम अपनी परम संभावना की निकटता में आते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, उसको चूम लेते हैं, तो वहाँ से भी कोई रास्ता बन जाता है। यानी आग के बीच में भी एक रास्ता जहाँ से गुजरा जा सकता है, जहाँ से निकला जा सकता है। अब सूरज को चूमने की बात कविता में आ गई तो कहीं जाकर आप अपने चूल्हे उल्हे को मत चूम लीजिएगा। गैस जलाइए कहेंगे सूरज तो नहीं मिला, गैस के लपटों को ही चूम लेते हैं, ऐसा मत करिएगा। सिंबॉलिक चीज़ें हैं और प्रतीकात्मक चीज़ों को समझना चाहिए। कुछ लोग हर चीज़ को, गीता पुराण सबको बड़ा लिटरल ले लेते हैं,
तो कहीं सूरज नहीं मिला तो कुछ सब्स्टिट्यूट कोई चूम लेते हैं, ऐसा मत करिएगा। लिखा है कि चरखा अब भी घूम रहा है, लपटों के धागे अब भी लिपट रहे हैं पोनी में, जिस्म की जमीन पे अब भी सूरज की लाली है। यानी कि जब एक बार किसी के जीवन में ये यात्रा शुरू होती है तो कभी ख़त्म नहीं होती, वो चरखा घूमता रहता है। हृदय का वो जो अंतहीन सृजनात्मक स्रोत है, इटर्नल क्रिएटिव व्हील है, वो हमेशा घूमता रहता है और उस पर लपटों के धागे, क्योंकि लपटे तो कभी कम नहीं होती, जीवन की आग नए नए रूप में उस पर लिपटती रहती है और बुनती रहती है एक नई चादर, एक नई चुनर। और लिखती हैं कि जिस्म की ज़मीन पर अब भी सूरज की लाली है, शायद फिर से सुबह होने वाली है। जिस्म उस चेतना के प्रकाश से, सूरज से हमेशा भरा हुआ रहता है। यानी कि जिस्म का मतलब जीवन, जीवन का हर क्षण हर पल वो उससे आलोकित रहता है। और शायद फिर से सुबह होने वाली है, ये जो पंक्ति है ये भी मनुष्य के लिए बहुत सकारात्मक संदेश है, क्योंकि सुबह एक बार ही नहीं होती, सुबह बार बार भी होती है। हर बार अंधेरा आता है और हर बार सुबह होती। बाहर की जो दुनिया है वो हमारे अंतर जगत का भी संकेत है, लेकिन तुम अपने दिल के चरखे पे लपटों को लिपटने दो, उनको बिनने दो। अभी जैसे एक मित्र ने प्रश्न पूछा, समझ आती है दो कदम, फिर चार कदम ना समझी आ जाती है। इसीलिए शब्द आया है कि शायद सुबह फिर होने वाली है, क्योंकि हर समझ के दिन के पीछे ना समझे कि रात आएगी। रात बेमानी तो नहीं है, रात तो कितनी खूबसूरत है, विश्रामपूर्ण है, रिलैक्सिंग है, मिस्टीरियस है, तो रात का स्वागत करो। फिर सुबह होगी, हर बार सुबह होगी, जब जब लगे कि पता नहीं अब सुबह कब होगी, तब अपने जिस्म की जमीन को यानी अपने जीवन के लम्हों को देखें, वहाँ सूरज की लाली दिखेगी और ये आश्वासन भी दिखेगा कि सुबह फिर होगी, सुबह हमेशा होती है। बस अपने दिल के चरखे पर लपटों को लिपटते रहने दें, जो समझ की आग है उसको प्रेम में डुबोते रहें। कभी भी तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ ऐसी लपट ना बन जाए कि दूसरों को जलाने लगे। तुम्हारा समझ, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे दिल के चरखे से गुजरे और एक चूनर में बदले, प्रेम में डूबे, जिसको ओढ़ा जा सके, जिससे सौंदर्य बढ़े, जिससे शांति का जगत और व्यापक हो। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात। Thank you.